तरह की दिखती है। और दर्द हो रहा है, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये देख पा रहे दूसरे फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पे। चोर घुसा है, चोर ने बहुत कुछ चोरा है, उससे अभी छीन रहे हैं। तो भाई लोग, अभी हम लोग बैठे हैं ट्रेन में और न्यू दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। कुछ ही देर में निकलते हैं यहाँ से। अभी कुछ जनरल डिब्बे में ही जाए, हमारी रिजर्वेशन वगैरह थी। अचानक से ही प्रोग्राम बना हमारा, हम तीन बंदे हैं, मैं, जाफर और महरूस। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए न्यू दिल्ली। तो अभी देखते हैं क्या क्या लाते हैं वहाँ से, वो सब चीज़ें भी आपको कैप्चर करके दिखाएंगे, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो भैया हम लोग पहुँचे हैं, अभी पठानकोट क्रॉस किया है, देख पा रहे हो आप लोग। ट्रेन में बुरी हालत हमारा, ये सफ़र खड़ा खड़ा सफ़र करना पड़ रहा है भाई। हम लोग ये देख पा रहे हो बुरी हालत है। तो चोर घुसा है, चोर ने बहुत कुछ चोरा है, उससे अभी छीन रहे हैं। बेचने वाला है क्या? हाँ। अभी कंबल वाला देखो, इसका तरीका, टैलेंट देखो भाई बंदे का, टैलेंट। ये देते हैं फिर पैसे लेते हैं। हाँ। कितना कितना 200 पड़ता है भाई साहब, पहले वो देते हैं पसंद करने के लिए। पहले पसंद करने के लिए देते हैं, उसके बाद। ये देख पा रहे हो आप लोग बंदे का ड्रामा देखो भाई, बंदा पूरी तरह से झगड़ा कर रहा है पीछे इनके साथ। इतना ज़्यादा रश है ट्रेन में, बहुत सारे लोग। जब भी मैं आता हूँ ट्रेन में तब बहुत ही ज़्यादा रश होता है, हमेशा इसी तरह का रश होता है। कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई मालूम नहीं। तो ये देख पा रहे हो आप लोग, रेलवे स्टेशन लुधियाना पहुँचे अभी हम लोग। तो यहाँ से आगे अभी हम निकले हैं 310 किलोमीटर, अभी हमारा पेंडिंग है न्यू दिल्ली तक। कुछ लोग, इन्होंने पता नहीं कौन सा स्टेशन जाना, ये ट्रेन कहाँ जाएगी, शताब्दी एक्सप्रेस है, कौन सी एक्सप्रेस है। अभी कुछ अभी इनका कुछ झगड़ा चल रहा है, सरासर गुंडागर्दी। इस बंदे को बैठने नहीं दिया जा रहा जबकि वहाँ पे स्पेस है बैठने के लिए, क्या बात। तो हेलो गाइस, हम लोग पहुँच गए अभी दिल्ली। ये रहा हमारा दिल्ली का रेलवे स्टेशन, और अभी हमने आगे जाना है। टाइम देख पा रहे हो आप लोग सामने 3:34, और व्लॉग शूट कर रहे हैं हम आपके लिए इस वक्त का, ये देख पा रहे हो आप लोग। अभी आगे जाना है, वहाँ पे आएगा बड़ा स्टेशन। अभी हम बाहर निकल आए हैं, अंदर मैंने वहाँ पे कुछ बनाया नहीं। तो ये देख पा रहे हो आप लोग, इस तरह का कुछ सीन है दिल्ली रेलवे स्टेशन का। मेरे पीछे जाफर और मारूफ, तीनों आए हैं दिल्ली के लिए। पे हम लोगों ने करनी है शॉपिंग, और क्या क्या चीज़ें लेंगे वो सभी आपको दिखाएंगे हम लोग। कुछ खा पी लेते हैं, पहले भूख लगी है, ट्रेन में तो कुछ मिला नहीं, वहाँ कूड़े वगैरह मिले उनसे गर्मी हो गई है अंदर बहुत ज़्यादा। अब कुछ ठंडी ठंडी चीज़ें खाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे थोड़ा। पहले ये देख पा रहे हो आप लोग, दोम थ्री बाइक में हम लोग आराम से भाई, दोम थ्री में चलाओ आप। तो भाई ये भाई साहब हमारे जो है बड़े सुपर फास्ट है, दोम थ्री बाइक चला रहे हैं जैसे। तो ये बैटरी बाइक है, पता नहीं क्या है, साइकिल है, बैटरी बाइक है, कुछ इसके चल रहे हैं हम लोग। हमने जाना है न्यू दिल्ली जामा मस्जिद के पास, गेट नंबर 1 के पास। इस तरफ में ये है दिल्ली का नज़ारा भाई, ये देख पा रहे हो आप लोग दिल्ली के नज़ारे, न्यू दिल्ली के जामा मस्जिद के पास में पहुँचने वाले। 1 किलोमीटर रह गए, अभी मैप पर देखा था मैंने, तो ये कुछ इस तरह के नज़ारे हैं। अभी हम स्टार्ट ही देख रहे हो सिद्धू मूसे वाला का पोस्टर, तो मेरे सामने जा रही है यूपी नंबर, और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे हम पहुँच के क्या नज़ारे रहते हैं, क्या होश व हवास रहते हैं हमारे, किस तरह का मज़ा रहता है, वो सब कुछ कैप्चर करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जस्ट अ वेट।
यहाँ से ही स्टार्ट होता है चोर बाज़ार, यहीं पे स्टार्ट होता है चोर बाज़ार। सारा सामान माल जितना भी है यहीं पे बिकता है, यहीं से स्टार्ट होता है। अभी तो 4 नहीं बजे, 5 बजे स्टार्ट होगा, करीबन ही कुछ ही देर बाद स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ कश्मीरी भाई लोग, कुछ जम्मू के, रियासी के, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। हम भी आए थे नज़र मारने के लिए, हमने तो कुछ ख़रीदना है नहीं यहाँ पर, बट ऐसे नज़र मारने आए थे। चोर बाज़ार का माल जो है पकड़ा जाता है, बाद में कोई फ़ोन वगैरह जो भी खरीदो आप वो तो पकड़ा जाता है सभी। तो ये देख पा रहे हो आप लोग, चोर बाज़ार की मार्केट तना तन तम तम आ रही है यहाँ पे, और इस तरफ में लेकिन हमारी हालत हो गई है ख़राब। हम बैठ गए हैं, ये देख पा रहे हो आप लोग, हम बैठ गए हैं यहाँ पे और पूरी तरह से थकावट हो चुकी है। तो कुछ ये मेरे साथ जो आए हैं बंदे, ये देख रहे हैं कुछ लेना है, कोई ले रहे हैं, कोई नहीं ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने रेस्ट किया यहाँ पे, होटल में रूम लिया हुआ था यहाँ पे, ये छोटा मोटा सा रूम मिला हमें, थोड़ा सस्ता वस्ता सा रूम मिला और यहाँ पे लिया हमने। दिल्ली में रूम लिया था, क्या नाम है यहाँ पे भाई, जामा मस्जिद के सामने रूम मिला यहाँ पे हमें। तो हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, सुबह चाय पी थी हमने 7:30 के करीब, और उसके बाद आके हम सो गए थे। तो सोने के बाद अब हम जाएंगे मार्केट शॉपिंग वगैरह करेंगे। सारे सुस्त बेहोश पड़े हुए हैं हम लोग, क्योंकि ट्रेन में इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, तो मैं भी आके सो गया था यहाँ पे। हमने कुछ थोड़ा बहुत ख़रीदा था सुबह, और उसके बाद हम अभी से बस थोड़ा सा रेस्ट करके 11 बज रहे हैं करीबन ही अभी, तो हम लोग फिर से वापस जाने वाले हैं सिटी में, और देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ मिलता है, वो सब चीज़ें लेके तो आ जाएंगे हम वापस। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से सिटी में। ये देख पा रहे हो भाई लोग, कितना ज़्यादा रश है दिल्ली जामा मस्जिद के सामने, गेट नंबर 1 है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, बंदों का ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना, क्या ही बताएं आप लोगों को, आप खुद ही देख लो, यहाँ पे चलने की भी जगह नहीं है। अभी अंदर पहुँचते हैं कहीं, फिर जाके आप लोगों से बात करेंगे जहाँ हमने शॉपिंग वगैरह करनी है। तो भाई लोग, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये जो अल्ट्रा वॉच है, एप्पल की अल्ट्रा वॉच, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये में मिल रही है यहाँ पे, इतनी सस्ती, और फुल HD में है ये, अल्ट्रा HD, ये देख पा रहे हो आप, बाकी सब कुछ ही चल रहा है इसमें, देख रहे हो अल्ट्रा वॉच है, पूरी प्योर अल्ट्रा वॉच, ये देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो HTC का ट्रिमर सिर्फ 350 में मिल रहा है, और ओरिजिनल है, अच्छा है, कॉपी भी नहीं है, प्योर ओरिजिनल है और चलता हुआ ट्रिमर है, रनिंग में काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का, और 350 में टोटल। ये देखो भाई कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ पे, देख पा रहे हो चलने की जगह नहीं है। ये है जामा मस्जिद गेट नंबर 1, अभी हम अंदर जाने वाले हैं थोड़ी देर में, अजान भी हो रही है और टाइम मिले तो हम वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये कुछ बाहर से इस तरह की दिखती है, ये है न्यू दिल्ली जामा मस्जिद, ये देखो भाई, ये है जामा मस्जिद, इस तरह की दिखती है। अरे यार दर्द हो रहा है, ये देख पा रहे हो आप लोग ऊपर किस तरह में, यहाँ पे सामने इस तरह देख पा रहे हो, अजान भी हो रही है अभी भाई लोग। ये अंदर में इस तरह की कंडीशन है, इस तरह का दिखता है यहाँ पे अंदर, ये देख पा रहे हो आप लोग, सामने देखो कितना बेहतरीन और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, जामा मस्जिद दिल्ली। तो ये देख पा रहे हो आप लोग इस तरफ में कितने सारे लोग आए हुए हैं, फॉरनर है, आउट ऑफ कंट्री कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, मैक्सिमम तो भारतीय ही हैं, फॉरनर बहुत कम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, देख पा रहे हो इस तरफ में कितना मस्त लुत्फ, मस्त मज़ा है यहाँ पे, इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग भी यहाँ पे। यहाँ पे आप वजू कर सकते हो आप, और फिर अंदर जा सकते हो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पे, तो फिर उसके बाद आप अंदर जा सकते हो नमाज अदा करने के लिए। ये देख पा रहे हो आप लोग कितना साफ़ पानी है यहाँ पे, ये देख पा रहे हो दूसरे फॉरनर्स, बहुत सारे फॉरनर्स यहाँ पे आए हुए हैं, इतनी गर्म धूप है और गर्म धूप में ये पैर नंगे चल रहे हैं यहाँ पे, हमसे नहीं चला जा रहा, ये कैसे चल रहे होंगे। तो गाइस ये देख पा रहे हो आप लोग कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, अभी हमने सारी शॉपिंग करके तो वापस घर के लिए निकल रहे हैं, ट्रेन हमारी 10:30 बजे की है, लेकिन हम लोग निकल पड़े हैं थोड़ा जल्दी क्योंकि हमने रूम को चेकआउट कर दिया था, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है जामा मस्जिद गेट नंबर 2 के पास में हम लोग। ये हमारे भाई साहब आगे चला रहे हैं ऑटो, बैटरी ऑटो रिक्शा, एकदम मस्त मज़ेदार ऑटो है, मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं एकदम ज़बरदस्त वाला। और पीछे देख पा रहे हो आप लोग, पीछे वाला सीन दिखाते हैं आप लोगों को, ये देख पा रहे हो आप, हमारे पीछे भी रिक्शे हैं, साइड में भी रिक्शे हैं, और इस साइड में भी रिक्शे हैं, क्राउड। एक्चुअली मैं आने वाला था बाइक लेके, मुझे लगा मोटो व्लॉग करेंगे, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस कारण मैं बाइक लेके नहीं आया। तो आज अगर बाइक लेके आते शायद ही हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते, बाइक में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए बाइक लेके नहीं आए हम लोग। तो नेक्स्ट जो मेरा होगा टूर एंड ट्रिप वो होगा बाइक पे, मोटो व्लॉग। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के आगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, कोई ऐसा ना कर ले कि हाथ से फ़ोन छीन ले। तो भैया
खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है, हाथ मार के फोन ना छीन ले रहे। तो बंदा एक देख रहा था, जिस हिसाब से देख रहा था मुझे लग रहा था अभी हाथ मारेगा, मैंने इसलिए थोड़ा जोर से पकड़ के रखा था। भाई लोग जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। भाई लोग इतनी मेहनत कर रहा है, रिक्शे में चल रहा है, पैदल चल रहा है, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते हैं। तो ये देख पा रहे हो आप लोग इस तरफ में टाइगर डबल नाइन को सब्सक्राइब करो। तो भाई ये है इस तरह का, ये देख पा रहे हो आप लोग बाइक कैसे चला रहा है। KTM 390 है ये, इसने जब कैमरा लगे हुए देखा तो ये बिल्कुल ही उलट पुलट की ड्राइविंग कर रहा था, कुछ कैप्चर हुआ कुछ नहीं हुआ इसका कैप्चर। अभी आगे इधर ही आसपास ही है, कभी आगे कभी पीछे, जब इसने कैमरा देखा तो उसके पास ज़्यादा ही स्कीटिंग स्कूटिंग वगैरह सब कुछ कर रहा था। ये दिल्ली का मार्केट है, यहाँ पे जामा मस्जिद के पास कोई 5-6 किलोमीटर आगे, अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं न्यू दिल्ली। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, हमें 1 घंटा 10 मिनट लगे वहाँ से जामा मस्जिद से और रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली पहुँचने तक। बहुत ही ज़्यादा रश था यहाँ पर, मतलब बताएं कि आपको। और दूसरी साइड देख पा रहे हो आप लोग सामने कितना प्यारा लग रहा है, सर्कस है यहाँ पे। यहाँ जाने का टाइम नहीं है, नहीं तो यहाँ भी जाते। और थकावट इतनी ज़्यादा हो गई है, पूरा दिन थकावट हुई है, देख पा रहे हो। बाकी ये यहाँ से एंट्री है अंदर के लिए, और हर जगह ये देख पा रहे हो बाइक वाला फिर से आ गया। तो इतना मज़ा, इतना इन्जॉय है, आप भी आ सकते हो, आप भी कर सकते हो इन्जॉय। हर किस्म का इन्जॉय यहाँ पर है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पर, फ्री माइंड रह सकते हो। बट सिर्फ अपने पर्स बैग वगैरह जो भी आप कैरी कर रहे हो उसका आपने केयर करना है। तो बाकी ये देख पा रहे हो अभी भी ट्रैफिक ही लगा हुआ है। कितना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे, मतलब इसको वीडियो बनाते हुए, तो अभी मुश्किल से हम 10 मीटर चले होंगे आगे। सामने देख पा रहे हो कितना खूबसूरत है वहाँ पे, वो भी सर्कस है, तो अंदर सारा सर्कस का ही सिस्टम है, अंदर सारा लोग जाते हैं आते हैं। तो ये देख पा रहे हो आप लोग सामने कितना ट्रैफिक जाम है, पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है। दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है जामा मस्जिद के आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आदमी नहीं चल सकता वहाँ पर, बंदा हिल नहीं सकता वहाँ पे। चोरी करने का बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरा रहता है, लोग जेब पॉकेट या बैग से कोई भी चीज़ आपको चोरी हो सकती है वहाँ से, इसलिए आपको वहाँ पे वही चीज़ें कैरी करनी है जो आप सेफ़ रख सकते हो। और कॉस्टली चीज़ें ज़्यादा कैरी नहीं करनी, क्योंकि वो आप गवा सकते हो वहाँ पे। आप अपना रूम ले सकते हो, रूम पे रख सकते हो, वो सब चीज़ें अपना जो है सारी सेफ़ रहेंगी। रूम भी वैसी जगह करना है जहाँ आपका जो भी सामान है सेफ़ रहे। फिर से देख लो आ गए आप, कितना ट्रैफिक है यार, बहुत तंग आ गया। कब पहुंचेंगे हम रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली, इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, क्या ही बताएं आपको। और ये कुछ तो भाई लोग ये देख पा रहे हो आप, कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। टिकट काटने गया एक बंदा हमारा, लेकिन इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। पीछे देख पा रहे हो आप लोग इस तरफ में कोई ATM टिकट काट रहा है वहाँ से, वो मशीनें लगी हुई हैं, कोई वहाँ से काट रहा है ऑनलाइन टिकट, और कुछ लोग इस तरफ से काट रहे हैं ऑफलाइन टिकट। पीछे भी देख पा रहे हो आप लोग। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी पहुंचे हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर, और यहाँ पे जो आगे हमारी ट्रेन आने वाली है कुछ ही देर के बाद आएगी, वो 10:10 पे यहाँ से निकलेगी। और इसके बाद ये ट्रेन निकल रही है, और इसके बाद जो ट्रेन आने वाली है कुछ ही देर में आ जाएगी। और उसके बाद हमने सीट्स वगैरह पकड़नी है अपनी, हमारी कोई रिजर्वेशन वगैरह नहीं है, ये दो चोर हैं। एक्चुअली हमारा प्रोग्राम ही अचानक से बना, तो नहीं तो हमने रिजर्वेशन करवानी थी, तो इसलिए हमने जनरल डिब्बू की टिकटें काटी हुई हैं। तो अभी जनरल डिब्बा ढूंढने जा रहे हैं हम लोग आगे। तो आप लोगों से निवेदन है भाइयों, सब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो भाई सपोर्ट, तो फ्रेंड्स भाई की सपोर्ट किया करो। आगे देख रहे हो आप लोग दिल्ली, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। ओ किसी की शादी है, दुल्हन है यहाँ पे, किसी की शादी है, अंदर पीछे रह गई हो। और ये देख पा रहे हो आप लोग कितने मस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। ये चले हैं बराती, शादी किसी और की है, ट्रेन में जा रही है, जा रहे हैं बराती। और देख पा रहे हो मज़े इतने ज़्यादा है, हम इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खासा इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाइक पे ही मज़ा होता है, या गाड़ी में ही मज़ा होता है, या प्लेन में ही मज़ा होता है। जो लोग ट्रेन में ट्रैवल नहीं करते हैं उन लोगों को क्या पता ट्रेन में कैसा मज़ा होता है। तो ये ट्रेन इतनी ज़्यादा लंबी है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, करीबन 2.5 किलोमीटर के करीब है ये ट्रेन। अभी हमने आगे कहीं पहुँचना है डब्बे के पास, फिर करते हैं आप लोगों से बात। तो गाइस ये ट्रेन तो चल पड़ी है, 9:10 वाली ट्रेन है ये चल पड़ी है। अब इसके बाद आएगी 10:10 वाली ट्रेन, उसमें हमने जाना है। ये आगे जनरल डिब्बा, आगे आगे AC टायर, और ये जनरल डिब्बा पीछे, यहाँ से पीछे सारे ही जनरल डिब्बे हैं। ये जा रही है जम्मू तवी, बट इसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, हमने जाना है 10:10 वाली ट्रेन पे, क्योंकि वो है सुपर फास्ट ट्रेन, वो तेज़ चलती है, इसमें बोर हो जाएंगे बैठ बैठ के, और ना ही इसमें जगह भी थी इतनी ज़्यादा, इसलिए हम लोग नहीं गए इसमें यार।
कितनी चमकदार लिचकदार ट्रेन है, साफ सुथरी ट्रेनें हो गई है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जैसे स्नेक चलता है, ये आ गया ट्रेन का इंजन। ये देख पा रहे हो आप लोग जनरल डिब्बे की हालत कैसी होती है। वॉशरूम के साथ में सोए हैं वॉश बेसिन, ना इसमें वानी वगैरह कुछ भी नहीं है अंदर। तो भाई लोग अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30, अभी हम जागे 6 बजे जागे, और ये देख पा रहे हो आप लोग जाफर अभी सोया है, तो मेरे बाद ये जागा, चार्जर ही निकल गया भाई। सो फ्रेंड्स लोग, हम लोग अभी फाइनली पहुँचे हैं जम्मू, और जम्मू से पीछे दूर पीछे रुके हुए हैं, यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई है, इसको टाइमिंग है कुछ, और ये पीछे से ट्रेन आ रही है पटरी पे, और ये इसकी पटरी पे खड़ी है, वो निकलेगी तो तभी ये जाएगी अपने स्टेशन पे खड़ी होगी। तो भाई हमारी हालत कुछ इस तरह से हो गई है, कंडीशन ख़राब, 2 दिन से सोए नहीं हैं, काफ़ी टाइम हो गया चलते फिरते हम लोगों को। तो अभी मिलते हैं आप लोगों से आगे स्टेशन के पास, फिर करते हैं वहाँ से आप लोगों से बातचीत। देख पा रहे हो गाइस, पेट्रोल टैंक कितना बड़ा, पेट्रोल टैंक टैंकरों में ऐसे आता है, इसमें इतने बड़े बड़े टैंकर हैं। देख पा रहे हो आप लोग कितना लंबा टैंकर है, आगे तो इतना लंबा है कि दिख ही नहीं रहा है मुझे, इतना ज़्यादा लंबा है, इस तरफ में भी काफ़ी ज़्यादा लंबा टैंकर है। अभी फाइनली हम पहुँच गए जम्मू स्टेशन। देख पा रहे हो आप लोग जम्मू तवी में कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, कितना ज़्यादा धूप है यहाँ पर। मैंने वाइजर का शीशा लगाया था आगे वाला, जो इसमें ब्लैक लगा हुआ था पहले, वो पूरी तरह से ना क्रैश लग के ख़राब हो चुका था, अभी मैंने वाइट वाला लगाया है, ये देख पा रहे हो आप लोग, ये वाइट वाला लगाया मैंने। तो बट हमने निकलना है रामबन थोड़ी देर में, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इस बारिश में निकले कैसे, बहुत तेज़ बारिश पड़ रही है, रुकने का तो नाम नहीं ले रही है। हम एक्चुअली पहुँचे यहाँ पे लेट, अगर हम जल्दी 5-6 बजे पहुँचे होते तो अभी तक हम रामबन पहुँच गए होते। चलो देखते हैं होता है क्या, बारिश का तो बहुत ज़्यादा। भाई ये देख पा रहे हो आप लोग साइकिल वगैरह कितनी अच्छी है, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी की साइकिल है यहाँ पे, देख पा रहे हो पीछे पीछे मारूफ और नींद आ रही है ये साइकिल ओनर यहाँ पर। और जो मेन साइकिल है बड़ी वाली वो ये है, मेरी फेवरेट साइकिल ये, मैं बचपन में चलाया करता था काफ़ी ज़्यादा, और कहाँ कहाँ से चलाया करता था तो वो मैं नहीं बता सकता आपको, ऐसी ऐसी जगहों पर साइकिल चलाता था मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को मैं। ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे सारी साइकिल्स की दुकान है जम्मू गुमट में, जब भी आओ यहाँ का विज़िट करो, काफ़ी अच्छे जेन्युइन रेट्स पे मिलते हैं इनके। और ये देख पा रहे हो आप वैरायटी साइकिल की, सारी ऑल वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, उसके साथ ही साथ जो हेलमेट्स वगैरह हैं बनी स्टड जितने भी टाइप्स हैं हेलमेट्स के, वो सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। और ये देख पा रहे हो बच्चे के लिए सबसे बेस्ट क्वालिटी का साइकिल है ये, अभी कंपनी का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ हैं ये, अच्छी अच्छी साइकिल हैं, और उसी तरह से उतनी ही अच्छी हेलमेट्स भी हैं, ये देख पा रहे हो आप लोग ये सामने।